Abhinandan, Bharpur Abhinandan. Thank you, Mayur sir. For doing the honors. Parul, I'd like to request you to please come up on the dais for the next. So now I'd like to request Boman sir to also join us. Rajkumar sir, please join us. And Gul sir, Mayur sir, please come up on the dais. Ramakant sir, apan pani awa. Ravi Wag, yanna sudha mi vinanti karto ki apan mancha hari awa. Because now, we are going to felicitate three important players from Maharashtra. Yes. So I request the guests to kindly just switch. Video. So aadhe idhar jaiye, aadhe udhar, baaki mere saath aaiye. Yes, sir. Because the three players have also been blessed with a very good Rahul Pai. Jointly, please felicitate this young man. Request for the other guests to also please join. This is a very important moment for every player in Maharashtra. Alia! अरे इतना बड़ा चेक मिला है तालियां तो बजाओ थैंक यू गेस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे ऑन द डेस चेक मिला अच्छा नहीं चेक का फोटो रहेगा ना हाँ बैंक में नहीं तो लेंगे नहीं वो आईएफएससी कोड दिया है ना उसके ऊपर हाँ यस यस थैंक यू राहुल द गेस्ट आई रिक्वेस्ट द गेस्ट टू रिमेन ऑन द डेज वी हैव अनदर प्लेयर टू टॉक अबाउट सो वंस अगेन वी विल स्प्लिट बिकॉज़ वी हैव टू सी अ स्मॉल वीडियो ऑफ अनदर प्लेयर एंड शी रिप्रेजेंट्स पुणे वेस्ट महाराष्ट्र डिवीजन plays in the B3 category. She is also the captain of the Pune team since 2018. Started playing just a couple of years back. About 10 odd matches in her 2-year career. Her best score till date is 96 of 80 deliveries. So very soon, she will be a centurion. Step forward to felicitate. Bhavan sir, I request you to join him, please. To felicitate Shuri Ram. Zorda, Tarani, Swagatkara. Yes, now it's time that our friends would like to listen from you. First of all, I'll request Boman sir to say a few words to these fantastic players. Hello. Hello. Namaste, good evening, kaise aap log? एक छोटा सा जोक क्रैक करता हूं फिर थोड़ी सीरियस बात कर लेता हूं गुल साहब ने ये जोक बहुत बार सुने मैं हमेशा सबको पहले से ही बोलता हूं मेरा नाम है बमन ईरानी शायद लोग मुझे जानते नहीं ऐसे जरूरत नहीं कि सब जानते हैं मैं क्या हूं मैं क्या करता हूं है ना तो मेरा नाम है बमन ईरानी मैं एक्टर हूं शायद आप नहीं जानते इसलिए कि एक बार मैं प्लेन में बैठा था और दूसरे तीसरे रो में बैठा था सबको गुड मॉर्निंग कर रहा था और एक बंदा आया फोन पे जोरों से बात कर रहे थे इतने जोरों से बात कर रहे थे कि सबको बहुत तकलीफ हो रही थी फिर उन्होंने मुझे पहचाने का पागल हो गया बहुत बहुत तारीफ करने लगा अरे मेरा फेवरेट एक्टर मेरा सबसे फेवरेट एक्टर मेरा सबसे वर्ल्ड का सबसे फेवरेट एक्टर फिर मेरे कान में आके जोरों से बोलता है पूरी प्लेन सुन सकी भाई साहब आपका नाम क्या है उसके बाद कहीं पे भी जाता हूँ सबको बोल के रखता हूँ मेरा नाम है बॉलीवुड में एक्टर हूँ We do not take anything for granted, am I right? First of all, I'd like to mention one name before I say anything. Kitna? 45 minutes? How much? Kitna time hai mujhe? 45 minutes. Sunne mein takleef hai mujhe. 4 to 5 minutes bole the. Sorry. Koi baat nahi.
I'd like to mention one name. 20-25 दिन पहले मुझे याद नहीं है एक एक मुझे SMS आया, WhatsApp मैसेज आया और बहुत ही अच्छी तरह किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि आज की तारीख 23 तारीख को शाम को 5 बजे 5 से 6:30 बजे तक आप यहां आ पाएंगे नहीं. तो दो चीजें उस मैसेज में, एक तो जब मुझे बताया कि ये क्या है प्रोग्राम और किस लिए है और ये फेलिसिटेशन किनको जाने वाली है, तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश हो गया और आई एग्री देयर एंड देन. लेकिन दूसरी बात, जिस बंदे ने मुझे ये मैसेज भेजा वो इतना जेंटलमैन निकला, इतना जेंटलमैन निकला, आई कैन नॉट टेल यू, इट इज सो इंपॉर्टेंट. आप कोई भी कॉज के साथ आइए, किसी के पास जाइए, बट यू स्टिल हैव टू बी अ जेंटलमैन एंड यू स्टिल हैव टू डू थिंग्स करेक्टली. मैं वैसे भी आने वाला था बट इट मेड अ बिग डिफरेंस. आई लाइक यू ऑल टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ इज़िकिल ओवर हियर एंड प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड. So being such a fine young man, always spoke so nicely on the phone. Jab jab phone kiya, jab jab message kiya, he was always. Please give him a hand. It's very important to acknowledge good manners. It is very important ki hum good manners ko acknowledge kare. Ezekiel, this is for you, my friend. God bless you. God bless you. Give him a big hand. Give him a really big hand. Thank you, Ezekiel. I'm so proud ki aap logon ne mujhe yahan invite kiya. Ek roz kaam pe jaate hain. कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं, फेलिसिटेशन होता है, लेकिन आज कुछ आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्पेशल. आई यू नो दिस इज द मोस्ट अनयूजुअल प्रोग्राम आई हैव बीन इन इयर्स. इसलिए कि एवरीबॉडी सीम्स टू बी वन, जो स्टेज में है, जो ऑडियंस में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि सब स्टेज में है या सब ऑडियंस में है. कोई फर्क नहीं है लोगों के बीच में. आई एम सो प्राउड टू बी अ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आई लाइक टू एक्नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंटली कि आप लोगों ने फेलिसिटेट किया सब क्रिकेटर्स को और बहुत जरूरी है, इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकरेज. मुझे भी इंकरेजमेंट अच्छा लगता है बाय द वे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल रुफीना मैम, जब उनका नाम लिया गया एंड व्हेन समवन सेड दैट थैंक यू रुफीना मैम फॉर डूइंग व्हाटएवर यू डू, सीट से उठ के जब यहां तक पहुंची रुफीना मैम, चार बार बोल चुकी अपने आप को या सुनने वालों को, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. लेट मी टेल यू रुफीना मैम, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू एक्नॉलेज, इट इज वेरी नेसेसरी. I'm not taking anything away from the cricketers. I'm not taking anything from the players. They are heroes. The players are heroes and heroines. But it is very necessary because if people like you don't do what you do, they will never make it to the pitch. So you have to understand it is very necessary to acknowledge what not only you but each and every one of you have done to get those cricketers on the pitch. A big round of applause for my friend Gul Kriplani. जितने भी किसी ने सर आपने इनको इंट्रोड्यूस किया गुल सर को एज द काउंसिल जनरल ऑफ आइसलैंड. अच्छा वो दिखते हैं यूरोपियन लेकिन है हिंदुस्तानी, am I right sir? जितने भी गुड कॉज जो होते हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में, मैं मानता हूं जहां जहां पे भी पहुंच जाता हूं, या तो वहां मेरे पहले पहुंच जाते हैं या तो वो उस कॉज को, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर भले 26/11 गेटवे ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम होता है, गुल साहब उसे ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल इन रिमेम्बरेंस, हर साल. मुंबई में जितने भी टाटा मेमोरियल या कैंसर के फंड रेजर्स होते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, गुल साहब ऑर्गेनाइज करते हैं. हर साल टेरी फॉक्स रन फॉर कैंसर पेशेंट्स जो रन होता है, जो मैराथन होता है, गुल साहब ऑर्गेनाइज करते हैं. और आज टुडे ही हैज कम एज वन ऑफ द चीफ गेस्ट्स. वी नीड मोर गुल्स, गुल कृपलानीज इन द वर्ल्ड. द वर्ल्ड विल बी डिफरेंट, आई कैन टेल यू. वी नीड मोर गुल कृपलानीज. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. God bless you. You are a big hand.
give it a big hand for India. And all the other members of the committee, this young gentleman is doing a great job. Please give him a big hand for keeping his spirits. Hamare jo mimicry artists are, big hand for you also. Aur jo musicians the, jinhone hamare liye dholne bajaye, koi baat nahi. Big hand for you also. And last but not the least, 40 minute ho gaya, 4 minute aur lunga. Last but not the least, very, very important. जो बोलते हैं ना नॉट नेसेसरी चार बार आप बोले. वन थिंग इज वेरी नेसेसरी रुफीना, जो चाहे करे दुनिया में, आपके जो कमेटी मेंबर्स जो चाहे करे दुनिया में, जितनी भी मेहनत करे, जितना भी ऑर्गेनाइजिंग करे, लेकिन विदाउट मनी एंड सपोर्ट रुफीना भी कुछ ही नहीं है. शी इज नॉट नेसेसरी. सो राजकुमार साहब प्लीज कम फॉरवर्ड. Very important was the support of Sony Pictures. Please come up. Very important. अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो क्या ये फेलिसिटेशन हो या क्रिकेट मैच हो और ये दूर में नहीं चले जाए. Give them a big hand. Please take a bow. God bless you. Thank you for your support. और सर आपने बहुत बड़ी बात की. जब लोग बोलते हैं ना कि you are involved with Sony Pictures, क्या बात है? It raises the staff of the organization. Thank you. Give them a big hand. Come on, everybody. Aye, sir, aye. Tisre saab aage yahan pe. Aur koi hai Sony ke yahan pe, aa jao. Thank you so much once again. I humbly say thank you very much for inviting me. And if you ever need me for anything, jab bhi meri koi zarurat pade, छोटा मोटा कुछ भी हो, मैं हाजिर हो जाऊंगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. रिक्वेस्ट एवरीवन टू थैंक फॉर अ क्विक फोटोग्राफ. गोरक्षण धोत्रे सुद्धा आपल्या सोबत आलेले आहेत, आपलं स्वागत आहे. अ क्विक फोटोग्राफ एंड देन आई मूव टू द अदर गेस्ट. यस प्लीज, प्लीज बी कोजी. एवरीवन कम इन. फ्रेम में बैठे ना सब लोग. यस, स्माइल प्लीज. चीज पनीर काय म्हणायचं ते म्हणा. Yes, sir. भूपेंद्र कडी साहेब आलेले आहेत, त्यांना मी विनंती करतो जरा त्यांनी यायचंय. भूपेंद्र कडी इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन, इम्पॉर्टंट पर्सन इन माय लाईफ बिकॉज ऑफ आय वॉज होल्डिंग वन स्टेट लेवल टूर्नामेंट लास्ट 5 years बॅक अँड आय वॉज ट्रॅव्हलिंग फॉर द ट्रेन. ओ टाइम पे एक गुजरात समाचार के एक थे जो राइटर, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपको रात को फोन करता हूँ, मुझे थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दो. वो टाइम पे मैंने फोन पे इंफॉर्मेशन दिया और अगली बार मुंबई समाचार में एक न्यूज आ गई कि ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी, कल से मैच होने जा रही है, प्लेयर्स आ चुके हैं, खाने का इंतजाम नहीं है, पैसे का ही नहीं. बट मुझे उस पेपर में बहुत सारे लोगों के मॉर्निंग में फोन आ चुके हैं, बॉम्बे पुणे सब जगह से. तो तभी एक भाई साहब ने भी मुझे फोन किया था कि आप आ जाइए, वो खाने का पैसा मेरे से ले जाइए. मैं बोला नहीं, आपको ग्राउंड पे आना है. ब्लाइंड कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, उस खुशी के साथ में आपको वहां पे पल ना पल बिताना है और खाने का बिल देके जाना है. क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था उस टाइम पे, क्योंकि खाने का बिल नहीं देगा तो मैच कैसा होगा. और तभी से मैं जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ मैं उनको भेजते रहता हूँ हमारा जो समाचार है. तो मैं एक बमन साहब जी को विनती करता हूँ कि उनका एक फेलिसिटेशन कर दीजिए. भूपेंद्र कढ़ी जोरदार आया. क्योंकि मैं जैसे ही बोला कि ये जो कारवा है मेरा 10 साल पुराना हो या 30 साल पुराना हो, सब लोग अभी भी मुझसे जुड़े हुए हैं और जुड़ते ही रहेंगे, हम कारवा बढ़ाते ही रहेंगे. यस सर, थैंक यू वेरी मच. रिक्वेस्ट गुल सर टू से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज. थैंक यू वेरी मच. पवन सर के बोलने के बाद, गुल सर के बोलने के बाद, वैसे तो मैं बहुत पटर पटर करती हूँ, बट अब मेरे पास ऐसा कि मैं क्या बोलूं. बट थैंक यू सो मच पहले तो मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए.
और मुझे बहुत बहुत स्पेशल लगा है स्पेशली बमन सर के साथ स्टेज शेयर करने के लिए क्योंकि आई थिंक हर एक्टर की इंस्पिरेशन है वो और आज उन्हें ऑफ स्क्रीन देखकर भी जैसा कि आपने कहा सर वो तो ऑफ स्क्रीन भी छा जाते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत 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 अच्छा लगा एंड आप सब लोग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी एसोसिएशन कैसे शुरू हुई यहाँ पर आई थिंक ये मेरा चौथा या पाँचवा इवेंट है और सर सो आई एम अ टीवी एक्टर हम सास बहू शोज करते हैं तो हमारे सेट पर लाइन स्कूल के लोग आए थे एक सीक्वेंस के लिए तो मैंने ऑब्जर्व किया हमारे सेट पे यूजली इतना केओस रहता है और वो जो लोग थे जो हमारे सेट पर आए वो इतने डिसिप्लिन थे इतने क्वाइट थे इतने आराम से वो सीक्वेंस हो गया एंड आई वाज सो अमेज्ड मुझे उस दिन उनको देखकर यू नो मैंने कॉल किया ब्लाइंड स्कूल और मैंने पूछा कि मैं किस तरह आप लोगों से एसोसिएट हो सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ अपनी तरफ से And the first thing I did was celebrated my birthday with them. And I think it's been the most special birthday till date. वो आज भी मेरे Instagram की highlight story पर है. And you know they played the orchestra for me, and it was so beautiful. And जब भी मैं यहाँ आती हूँ, मैं इतनी सारी inspiration लेके जाती हूँ क्योंकि usually हम life में इतनी छोटी-छोटी problems के साथ bogged down हो जाते हैं. और यू नो हम अपनी इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर क्रिप करते हैं बट जब भी मैं यहाँ आती हूँ और आप लोगों के चैलेंजेस देखती हूँ और आप लोगों का उत्साह देखती हूँ तो आई एम लाइक फिल्ड विद एनर्जी और मैं कहती हूँ व्हाट प्रॉब्लम्स लेट्स गेट अप गो आउट देयर एंड कॉन्कर सो थैंक यू सो मच थैंक यू मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह एसोसिएट रहूँ And a big cheers to all of you and may this team rise and shine. Thank you so much. Thank you very much. Zordaar taaliyan fir ek baar. Acha main ek aur cheez kehna chahunga. Main bhool gaya aaj main bahut khush hu aap. Aapne kaha ki set pe aaye the bahut achhi tarah aapka scene hua aur aapka birthday manaya gaya tha. Main kuch kehna chahunga. Aapka jo ye organization hai, God bless it. Bahut saal kitne saal se hai ye organization? 8 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन 8 साल से 2nd ऑफ दिसंबर से इनॉग्रेट हुआ है मैं राइट ये साल मैं जो हूं 2nd ऑफ दिसंबर पे 60 साल का ऑर्गेनाइजेशन बनूंगा ऑन द सेम डे आई शेयर द बर्थडे विद ऑल ऑफ यू आई नेवर वाज समथिंग फॉर अमेजिंग जोरदार तालियां जोरदार तालियां सो वन मोर रीजन टू सेलिब्रेट फैंटास्टिक फैंटास्टिक मयूर सर तुम्ही क्रिकेटर तुम्ही पण थोडं काहीतरी बोला तुम्हाला पण यांना बघून कसं वाटतं मेरे सब प्लेयर तरी है Done.
thank you, girls. Yes, dignitaries on the dais, thank you very much. I request just a couple of more minutes. We have a documentary to be ready. Tell you a quick story. Many years ago, when I wanted to join films, I wanted to join films as a director, actually. So, maine three film banayi thi on the blind, aur ek film jo thi usme wo cricket pe maine likhi thi, aur teen film bani, wo chautha film nahi bana, isliye ki pura flooding hua tha, rains hua tha, aur deir do mahina chalte raha. तो वो फिल्म कभी बनी ही नहीं और दे डिड नॉट बी रन आउट ऑफ मनी. वो फ्री फिल्म्स थी लेकिन वो हमेशा मुझे खटकता था कि मैंने तीन फिल्म बनाई थी ब्लाइंड पे, एक आर्टिस्ट पे बनाई थी, एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पे बनाई थी, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पे, एक मदर पे बनाई थी और एक ब्लाइंड फिल्म बनाने क्रिकेट फिल्म फॉर द ब्लाइंड बनाने वाला था. वो रह गई तो खटकता था. जब इज़िकिल का मुझे मैसेज आया कि द क्रिकेट एसोसिएशन ब्लाइंड ऑफ महाराष्ट्र इज हैविंग अ फेलिसिटेशन, आई एम देयर. You know, it just makes me feel good, it makes me feel warm. हम बहुत सारे दुनिया घूमते हैं, बहुत सारे functions में जाते हैं, glitzy functions में भी जाते हैं, social cause वाले function में भी जाते हैं, लेकिन ये जो closeness जो मिला आज, कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगा. I am really happy to come. और अगर दो चीज़ होती है इसमें, लोग कहते हैं मैं दो बोल बोलता हूँ तो कुछ encouragement मिलता है, लेकिन दूसरी चीज़ बहुत ऐसे है कि इनको देख के मैं encourage हो जाता हूँ. वो कितनी बड़ी बात है. जी यस, फॉर इयर्स मेरे अंदर था एक फिल्म, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि अभी मैंने प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत में अनाउंसमेंट भी किया है और फिल्म बनेगी जल्द से जल्द. क्या वो क्रिकेट वाली फिल्म? नहीं नहीं, वो क्रिकेट वाली फिल्म नहीं है. वो थोड़ा टाइम लगेगा. मैं अभी तो सिर्फ डायरेक्टर मिला है और कुछ नहीं. प्रोफेशनल फ्रंट पे अभी अपनी टोटल धमाल सबको बहुत इंजॉय किया, पब्लिक ने इंजॉय किया. मोदी जी की फिल्म आ रही है थोड़ी दिन में, ड्राइव आ रही है और उसके बाद मेड इन चाइना राजकुमार राव के साथ, आई एम वेरी लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू दैट फिल्म आल्सो. आई वांट टू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट. जी, जस्ट मेंशन द मोदी फिल्म, यू नो, राइट राइट राइट. जावेद अख्तर साहब क्लेम समथिंग, राइट, मेरा नाम, दैट्स नॉट पॉजिटिव, दैट इज कॉन्ट्रा. नो नो, प्लीज प्लीज लेट्स गो देयर. It's not possible. Yeah. Okay, sir. उसके अलावा भी अगर एक चीज़ और देखा जाए तो PM नरेंद्र. अरे बाबा, मैं हम लोग ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ब्लाइंड महाराष्ट्र की बात करें या फिर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, बोलो आप चूज करो, मंच चूज करो, ब्लाइंड पे बात करो. हम उस हम इनके लिए यहाँ आए, बाकी सब वो बात होते रहती है चैनल्स पे 24/7. हमको सिर्फ 7 मिनट्स मिल रहे हैं, वो हम जिसके लिए आए उसकी उसकी बात करते हैं. व्हाई नॉट, व्हाट यू से एवरीबॉडी? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अगर ब्लाइंड के ऊपर, हमारे नसीर भाई कितने अच्छा काम किया था स्पर्श में. अगर फिल्म ब्लाइंड के बनाऊ तो मैं नसीर साहब को जरूर लूंगा. तो ये क्या आपकी डायरेक्शन की शुरुआत? नहीं नहीं, लेकिन ये ब्लाइंड के ऊपर फिल्म नहीं है. मैं वो तो छोटी छोटी 15 सेकंडर बनाई थी जब वो फिल्म बना रहे थे. ये एक पर्सनल रिलेशनशिप फिल्म है. ओके, आज आपने ये बात भी कही कि यू नो आपका 60th बर्थडे, आप मेरा आज 60th बर्थडे नहीं, 6 दिसंबर 2nd को 60th बर्थडे होगा. भूलना नहीं, अगर कुछ गिफ्ट विद भेजना है तो भेज दीजिएगा. हां, भूलना नहीं है प्लीज. हां जी, हम साथ कर इनका जो बर्थडे है मेरा बर्थडे एक ही है. मुझे लगा, दिल में कुछ लग रहा था कि कुछ है संबंध, एंड इट टर्नड आउट कि मेरा बर्थडे और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ऑफ महाराष्ट्र का भी बर्थडे 2nd December है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. गुड टू सी यू. Thank you. Bye bye. Thank you.
ओके तो कहाँ से शुरुआत करूँ. एसोसिएशन काफ़ी लंबा रहा है और एक बहुत ही छोटे से किस्से से शुरुआत हुई थी. मैं शूट कर रही थी एक शो के लिए जहाँ पर ब्लाइंड स्कूल से एक टीम आई थी हमारे साथ एक सीक्वेंस शूट करने और पता नहीं उस दिन कुछ कनेक्ट हुआ और उस दिन मुझे लगा कि आई थिंक मुझे इन लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए और कुछ लाइफ टाइम एसोसिएशन होना चाहिए. तो मैं यहाँ ब्लाइंड स्कूल आई, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया इन लोगों के साथ और उस दिन से मैं अपना हर बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करती हूँ. और इनका कोई भी इवेंट हो, चाहे वो कोई म्यूज़िकल इवेंट हो. अभी एक ब्लाइंड रैली हुई थी जहाँ पर यू नो ऑल द ब्लाइंड पीपल वर यू नो दे वर गाइडिंग द अदर्स एंड शोइंग देम द वे एंड सो बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं इन लोगों से. और आई थिंक आज ये चौथी या पाँचवीं बार है कि मैं यहाँ पर आई हूँ. तो हमेशा मैं बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर जाती हूँ और हमेशा मुझे यही लगता है कि एक मेजर सेटबैक के बाद भी ये लोग इतने एंथुजियास्टिक हैं, इतना उत्साह भरे हैं. तो यू नो आई थिंक वी हैव मोर टू लुक फॉरवर्ड टू एंड वी शुड टेक मोर एंड मोर इंस्पिरेशन एंड डू बेटर. थैंक यू.